तहलका इंडिया न्यूज, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नवरात्र यानी माता रानी का त्योहार, जिसमें 9 दिन लगातार व्रत की जाती हैं, माता रानी का जगराता करते हैं लोग, और ऐसे कई धार्मिक कार्य हैं जो नवरात्र में किए जाते हैं। जगह जगह पर पंडाल सजे होते हैं, देवी की स्थापना होती है और लोगों की आस्था भी होती है। दरअसल महिला का नाम संगीता बाई बताया जा रहा है, जिसने माता रानी की पंडाल में अपनी जीप काटकर माता रानी को चढ़ा दी। लोगों में आस्था होती है, जिसके चलते ऐसा कदम लोग उठाते हैं। महिला ने पूर्व में माता के दरबार में मन्नत मांगी थी, जो पूरी हुई, जिसके चलते इस महिला ने इतना बड़ा फैसला लिया और अपनी माता को भेंट कर दी जीप। कई बार ऐसी खबर सामने आती है जो दिल को झकझोर कर रख देती है। भले ही बात यहाँ आस्था की हो, पर अब ये महिला दोबारा ठीक से नहीं बोल पाएगी। लेकिन महिला को इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं। तहलका इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। आप लोग क्या घटना घटी यहाँ पर? वार्ड नंबर 1 कंचनपुरा। क्या हुआ है कल यहाँ पर? यहाँ पर एक औरत ने अपनी जीप चढ़ा दी। क्या कारण था जो माता रानी के यहाँ जीप चढ़ाई है? उनके वहाँ कई बार सौ से बच्चे नहीं होते थे, बच्चा होने पर उन्होंने अपनी खुशी से जीप चढ़ा दी। जब अपने अपने जब जीप अर्पित की, कोई आपको डर भय नहीं हुआ? मतलब कि माता के दरबार में बैठे क्यों हो जाएगा? नहीं, आपको जैसे मतलब लगे अंदर से कि हमें जीप काटने में दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था। माता रानी से क्या कहना चाहती है आप इस बारे में? माता रानी से मेरी यही प्रार्थना कि मेरे बच्चों पे, मेरे घर में अच्छे चलता सब लोग रहें, मेरा परिवार हंसता खेलता रहे, बस मेरी माता रानी से यही प्रार्थना। क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता भाई कहाँ के रहने वाले? वार्ड नंबर 1 पार्क नंबर।